जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद महबूबा ने साफ कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीर में वाकई अमन चाहता है तो वो आतंक फैलाना बंद करे। महबूबा ने कहा कि पीएम मोदी ने बातचीत के लिए पहल कर दी है, अब फैसला पाकिस्तान को करना है। घाटी में युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने पर महबूबा ने अलगाववादियों और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को उकसाया जाता है और वो सेना पर पत्थर फेंके। घाटी में हिंसा में हुई मौत पर दुख जताते हुए महबूबा ने कहा कि मरने वाले लोगों में से 95% गरीब है। महबूबा ने कहा कि जो बच्चे उनकी ढाल थे अब उनका इस्तेमाल घाटी में हिंसा फैलाने के लिए हो रहा है। महबूबा ने अपील की है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए कि ऐसे भटके हुए बच्चे को सही रास्ते पर ला सके। अलगाववादियों से बातचीत को लेकर महबूबा ने साफ साफ कहा कि बातचीत उन्हीं से होनी चाहिए जो शांति के हिमायती हैं। सबके लिए ये कंसर्न की बात है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है और वो चाहते हैं कि ये खून खराबा रुक जाए, जम्मू कश्मीर जो है इस मुसीबत से बाहर निकल आए। और उन्होंने बार बार कहा और हमारा भी ये मानना है कि जो पीडीपी और बीजेपी की अलायंस हुई है उसका बेसिस ये था कि जो वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक डायलॉग यहाँ भी और पाकिस्तान के साथ एक रिकंसिलेशन का प्रोसेस शुरू किया है, उसको आगे चला के जहाँ उन्होंने छोड़ा था उसको आगे चला के जम्मू कश्मीर की जो भी समस्या है उसका कोई हल ढूंढा जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से, आबरू से अपनी जिंदगी बसर कर सके। और ये जो रोज 2 साल 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इस किस्म के हालात खराब होते हैं और लोग उनकी जाने जाती हैं, कारोबार ठप हो जाता है, नुकसान होता है, इसको बंद कर सके। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान के आजादी पर बयान से आतंकी हाफिज सईद बुरी तरह से बौखला गया है। हाफिज ने एक रैली में मुंबई को भारत से अलग करने की धमकी दी। हाफिज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार को मोदी के इस बयान पर कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। इसके अलावा हाफिज ने भारत में देशद्रोहियों को भी अपना संदेश देते हुए कहा कि कई लोग भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ रहे हैं। ओ मेरे अजीज भाइयों, वल्ला आज वक्त है, आज माहौल बन रहा है। मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया और कश्मीर जो आजाद है जहां कोई झगड़ा नहीं इसका नाम लिया। अब फिर अल्लाह के फजल से वो गाजी खान सुलंगी मुत्तहिदा महाज जिए सिंध का चेयरमैन अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आजाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में है ये आजाद करवाने हैं तो हक बनता है कि आज हम भी खुद कर दुनिया के सामने ये बात करें। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। शर्मा के मुताबिक पीओके बलूचिस्तान और गिलगित में अत्याचार हो रहा है और पाकिस्तान फौज बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान में बौखलाहट है क्योंकि पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतरा है। पाकिस्तान पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, बलूचिस्तान में, गिलगित में वहाँ की फौज किस तरह से बर्बरता कर रही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ लोगों की आवाज़ को कुचला जा रहा है और लंबे समय से ये वहाँ पर किया जा रहा है। तो दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और उससे पाकिस्तान में बौखलाहट और वो जो आतंकी है वहाँ हाफिज सईद, उसकी बौखलाहट निश्चित रूप से बौखलाहट है उनके अंदर, लेकिन इनकी बौखलाहट ही तक है और ये सिर्फ बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम तो कहेंगे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि वहाँ उस फौज पर थोड़ा अंकुश लगाए जो वहाँ बलूचिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर जो बर्बरता कर रही है उस फौज पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और आतंकवादी जो हाफिज सईद हैं इनकी जबान पर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने बयान में बलूचिस्तान और पीओके का जिक्र किया था, जिसके बाद बलूचिस्तान के कई अलगाववादी नेताओं ने खुलकर पीएम मोदी का समर्थन किया। अब बलूचिस्तान में खुलकर पाकिस्तान विरोधी आवाज बुलंद हो रही है। पीएम मोदी की तस्वीरें और तिरंगे भी खुलेआम बलूचिस्तान में लहराए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के दमोह में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई। इलाज के लिए जा रही एक महिला के रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके बाद बस वाले ने महिला के पति और उसकी 5 दिन की बच्ची को बीच जंगल में ही बस से उतार दिया। बारिश के बीच एक पिता गोद में 5 दिन की मासूम बच्ची और जमीन पर पत्नी की लाश लिए घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन आसपास गुजर रहे लोगों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। काफी देर बाद राम सिंह पत्नी मंडली के शव के साथ यूं ही सड़क के किनारे इंतजार करता रहा। काफी देर बाद पार से गुजर रहे दो वकीलों ने रुककर राम सिंह की परेशानी जानी और 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम ने भी महज नाम पता पूछकर अपनी कागजी खाना पूर्ति कर ली। तब जाकर वकीलों ने प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतजाम कर राम सिंह की पत्नी का शव घर भिजवाने की व्यवस्था की। कोई बस से जा रही थी, उसमें एक्सपायर हो गई, तो बस वाले ने वहीं फुटपाथ पे छोड़ के निकल गया और करीब वो आध घंटे से वहाँ पे पड़े हुए थे, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा, जब उनने बताया अपना, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला के प्राइवेट वाहन से उनको अपने यथावास स्थान बुला कर भेजा और 100 डायल से लगाया तो पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस ने कोई उनकी व्यवस्था नहीं की थी। कंडक्टर था जिसने उस महिला को वहाँ इस फुटपाथ पे उतार दिया। वहाँ ना कोई ऐसी व्यवस्था थी छाया की और ना कोई यहाँ कोई गांव था, और वो गरीब परिस्थिति की और अनपढ़ व्यक्ति थे, तो वो इतना नहीं कर सकते थे कि कोई वाहन की व्यवस्था कर ले, और जो बस में लोग थे तो उनके द्वारा भी कोई उनको कोई सहायता नहीं की गई। बस कंडक्टर ने सफाई दी है कि बस में मौजूद दूसरे पैसेंजर्स की आपत्ति के बाद इन्हें नीचे उतारा गया। वहीं आरोपी मौके पर पहुंचे पुलिस वालों पर भी है, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नाम पता लिखा है, एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं कराया। क्यों उतार दिया था इस तरह इस हालत में? नहीं, वो बुलाया था, बिलर बुलावा कि फ्री के बाद उतार। नहीं, कोई भी वाहन वो 2 घंटे तक ऐसे ही बारिश में भीगते रहे, 5 दिन की बच्ची थी साथ में। के बाद में हम लोग चकर लो उतार लो, पैसेंजर भी कह रहे कि भाई साहब उतार लो, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए बताओ। एक महिला यहाँ से घोघरा से इलाज के लिए दमोह जा रही थी, उसको बस से उतार दिया था। ये हमको जानकारी मिली थी कि ये चैनपुरा के पास की घटना है, वहाँ पे हमने मौके पे तस्दीक किया था, तो हमारे इलाके की घटना नहीं पाई गई। वो जो है नरसिंहगढ़ चौकी थाना दमोह देहात के अंतर्गत में पड़ती है। यदि हमारे इलाके में ऐसी अगर कोई घटना घटित होती तो हम कार्रवाई करते। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स शुरू किया है। मंजिलों को सबक सिखाने की मुहिम के तहत पुलिस ने कल 50 मंजिलों को पकड़ा। 2 घंटे चले इस ऑपरेशन में पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया था, जिन पर ये मंजिले अश्लील कमेंट करके फंस गए। कुछ ने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन कुछ पकड़े जाने के बाद पुलिस से उलझते हुए दिखे और पुलिस वालों से हाथापाई भी की। पुलिस ने इन मजरों को स्पेशल कमरे में रखा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। जिस कमरे में इन्हें रखा गया था उस कमरे का नाम रखा गया मजरू। टीम थी हेडेड बाय लेडी एएसआई और इसमें 20 मुलाजिम थे सादी वर्दी में। लेडी कांस्टेबल्स और मेल कांस्टेबल्स दोनों इसमें शामिल थे। सादी वर्दी में हमने उनको पूरा एमजी रोड पे डिप्लॉय किया, और उसके बाद जो भी लड़के यहाँ पे अश्लील फब्तियाँ कसते हुए या इस तरीके की हरकतें करते हुए पाए गए, उनको मौका से काबू करके अरेस्ट किया गया। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी? देखते हैं, कानूनन जो भी कार्रवाई उचित होगी इनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। यूपी के अम्बेडकर नगर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा अकबरपुर आजमगढ़ मार्ग पर स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से हुआ। बताया जा रहा है कि नरियाव गांव के रहने वाले वकील अहमद इलाज के लिए अपने रिश्तेदार के साथ लखनऊ जा रहे थे, तभी उनकी कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, उस दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि कार के ड्राइवर की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। देखिए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, टाली में जो है स्कॉर्पियो जो है घुस गई, उसके बाद देखा गया तो सब लोग स्पायर करके थे, निकालने लगे गेट टूट टूट के, 6-7 लोग थे। उसके बाद जिसी भी आई अपना ट्राली किसी बगल कर दिया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों ने एक महिला से गैंगरेप किया और उसका चेहरा तेजाब से जला दिया। ये महिला थाने पहुंची तो पहले पुलिस वालों ने आनाकानी की और उसके बाद अस्पताल पहुंची। अस्पताल दर अस्पताल घंटों तेजाब से झुलसी महिला भटकती रही लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। आखिरकार एक अस्पताल को तरस आया और महिला को इलाज मिला। इस केस में कलेक्टरगंज में आईपीसी की धारा 376 और 326 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी दो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदी के उफान पर होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से जूझ रहे कानपुर देहात की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो साफ बयां कर रही हैं कि इलाके में बाढ़ में किस कदर लोग परेशान हैं। लेकिन अखिलेश सरकार के अफसर इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अधिकारियों का दावा है कि इलाके में बाढ़ से कोई प्रभावित नहीं है लेकिन तस्वीरें उनके दावों की पोल खोल रही हैं। भोगनीपुर के पथार गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घर तक पहुंच गया है। मवेशी पानी में डूब गए हैं। बाइक से चलने वाले लोगों को नाव के सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ से खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है लेकिन अफसरों को इलाके में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। कोई अधिकारी और कर्मचारी हमारे गांव में देखने तक नहीं आया है और यहाँ की स्थिति है कि घरों में पानी घुस गया परंतु कोई दाल और कुछ भी नहीं मिला है। इधर हमारे यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, कोई सूचना नहीं कर रहा है, हम लोग सब डूब रहे हैं। कितने दिन से बाढ़ चल रही है? बाढ़ चल रही है 8 दिन से। इसके बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं है? कोई नहीं आया अधिकारी। आबादी में कहीं भी पानी नहीं घुसा हुआ है और दो गाँव केवटरा और एक गांव और है केवटरा में खास तौर पर, वहाँ जो है आबादी के किनारे किनारे पानी है। टीले पर आबादी है इसलिए आबादी प्रभावित नहीं है। सभी गांव में कोटेदार जो है वो अपना खाने पीने की व्यवस्था किए हुए हैं। मिर्जापुर में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत के साथ साथ दहशत भी लेकर आया है। मिर्जापुर जिले में अलग अलग जगहों पर अब तक 6 मगरमच्छ पकड़े गए हैं। नदियों में आई बाढ़ की वजह से मगरमच्छ खुली जगहों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में ये मगरमच्छ आबादी के लिए मुसीबत बन गए हैं। हालांकि वन विभाग सूचना मिलने पर मगरमच्छों को पकड़कर उन्हें डैम में छोड़ दे रहा है लेकिन वन विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वो सचेत रहें। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने विदेश दौरे से लौटने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। तेजस्वी यादव सबसे पहले हाजीपुर में बाढ़ शिविर का जायजा लेने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी को बाढ़ पीड़ितों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव का काफिला जैसे ही गांधी सेतु के टोल प्लाजा पर पहुंचा वैसे ही बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों ने तेजस्वी के काफिले को रोक दिया और हंगामा करने लगे। पीड़ितों की ये शिकायत थी कि उन्हें बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिली है। पीड़ितों ने तेजस्वी के सामने ही जमकर हंगामा किया। हिमाचल के शिमला में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक आदमी लापता हो गया है। लापता आदमी की मलबे में तलाश की जा रही है। नरेन पंचायत के कंडेली में भारी बारिश से आया मलबा एक शेडनुमा घर को बाहर ले गया। इसमें सो रहे एक ही परिवार के 6 सदस्य मलबे में दब गए। दंपत्ति और उसके 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गंभीर रूप से घायल बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वही बादल फटने से कई सेब बागानों को भी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के में सेल्फी के कारण एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शहर के 3 दोस्त जन्माष्टमी मनाने सोन नदी के क्षीर सागर पिकनिक स्पॉट पहुंचे थे। तीनों दोस्त सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान सोन नदी में पानी का बहाव तेज होने लगा और फिर तीनों दोस्त उसमें फंस गए। हालांकि बाकी 2 दोस्त प्रिंस चौधरी और हर्षित बाहर निकल गए लेकिन प्रेम मोटवानी पानी में फंस गया और फिर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों युवक भागकर वापस अपने घर लौट आए लेकिन जब प्रेम वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। मिड डे मील योजना में कैसे भारी लापरवाही हो रही है इसकी बानगी मध्य प्रदेश के झाबुआ में देखने को मिली। यहाँ के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील तो दिया जा रहा है लेकिन स्कूल में भोजन करने के लिए बर्तन ही नहीं है। ऐसे में बच्चे हथेली में रखकर भोजन करने को मजबूर है। मामले में स्कूल शिक्षकों का कहना है कि बच्चे ज्यादा हैं और बर्तन कम हैं, जबकि अधिकारियों की तरफ से सफाई में ये भी कहा जा रहा है कि स्वयं
सहायक समूह ही मिड डे मील की व्यवस्था करता है और उसी को ही बर्तन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से थाली जीते है उतनी कम होती, बाकी जल्दी होती क्योंकि आधे घंटे का समय ही रखा गया भोजन, मध्यान्ह भोजन के लिए समय कम है और कमरे भी कम है, बच्चे बहुत ज्यादा है, जल्दी रहती है, बर्तन भी कम है। दे दिया है सब, आवेदन सबको दे दी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ध्यान भोजन समूह के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराना और बर्तन उपलब्ध कराना ये स्वसहायता समूह के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके द्वारा जो संज्ञान में बात लाई गई है कि बच्चों ने हाथ पे रखकर भोजन करते हुए पाए गए हैं, तो उस समूह के खिलाफ जो भी आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय ने जो देखा ग्राउंड के ऊपर, तो उनका एक सुझाव था कि स्वसहायता समूह जो बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है वो एक छोटे से टिफिन के माध्यम से भी दे सकता है, बच्चे टिफिन लाएंगे और उसमें उनको परोस करके भोजन उनको उपलब्ध किया जाए। तो ये चीज़ पूरे जिले में स्वसहायता समूह की बैठक लेकर के DRC के माध्यम से प्रसारित कर दिया गया है और सुझाव स्वसहायता समूह के माध्यम से भी आया है कि इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, इसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से आई है जहां कनखल राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां क्लासरूम में पढ़ रहे एक बच्चे पर छत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हादसे में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। आनंद पालन में बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बता दें इस घटना के बाद से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बेहद डरे हुए हैं। हालांकि अधिकारी इसे कोई बड़ी घटना नहीं मान रहे। एक्चुअली भवन जर्जर नहीं है, उसका प्लास्टर जर्जर है। भवन अभी भी बहुत मजबूत है, उस पर केवल प्लास्टर करवाने की जरूरत है। और कल भी एक्चुअली कोई ईंट नहीं गिरी, केवल प्लास्टर गिरा है। और प्रधानाध्यापक की गलती ये है कि उन्होंने अब तक विभाग को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। हमने एक जनरल पत्र सभी को दिया है कि आप बच्चों को वहाँ पर ना बैठाएं जहाँ भवन जर्जर है या कोई घटना होने की दुर्घटना होने की संभावना है। विभाग की तरफ से आप क्या कार्रवाई? विभाग की तरफ से एक कार्रवाई तो उनके प्रति ये हो रही है कि उन्होंने पहले से सूचना क्यों नहीं दी। अब हम अपने AE को भेजकर उसका वो स्थलीय निरीक्षण करवा कर एस्टिमेट तैयार करवाएंगे कि इसके रिपेयरिंग में कितना पैसा लगेगा। देखिए अभी आपने ये देखा 97 का किसी अधिकारी का ही लिखा हुआ लेटर है कि 97 में भी ये जीनशिन की बिल्डिंग, जब 97 में बिल्डिंग जीनशिन है तो अब बिना रिपेयरिंग के तो ठीक हो नहीं जाएगी, ये तो और ज़्यादा जीनशिन होती ही जाएगी, खराबी होती जाएगी दिन पे दिन इसकी स्थिति। पर मैंने CRC के माध्यम से 3 बार लेटर वहाँ दिया था CRC को, तो वो CRC मैडम मैं अभी परसों मिल के आई थी 25 तारीख को, तो वो बोल रही थी मैंने भिजवा दिए हैं लेटर। प्लास्टर गिरी था जो, तो उसे बच्चे चोट लग गई थी। क्या ऐसा लगता है अंदर बैठ के, डर लगता है? हाँ बहुत ज़्यादा। कभी भी गिर जाता है क्या? हाँ 2 बार गिर गया। यूपी के मुरादाबाद में एक सरकारी हॉस्पिटल में आशा बहनों के धांधली का मामला सामने आया है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिल रहे कमीशन के चक्कर में यहां की आशा बहनें सरकारी अस्पताल में आने वाली मरीजों को अच्छे इलाज का झांसा देकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने का काम लंबे समय से कर रही थी। वहीं जब इसकी सूचना डिप्टी CMO को लगी तो उन्होंने फौरन हॉस्पिटल में छापेमारी की, जहां गर्भवती महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा रही 3 आशा बहनें रंगे हाथ पकड़ी गई। इन 3 आशा बहनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं इससे पहले भी 2-3 आशाओं को मैंने ट्रैप किया था जो ये काम करती थी। आज आई जस्ट फाउंड 3-4 आशाज जो एक पेशेंट को बैटरी रिक्शा पर बिठा के लेने ले जाने के मूड में थी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैंने इनको वहीं से ट्रैप किया और पुलिस बुलाई, और इनकी एक सरगना है अलका यादव, उनको बड़ी चेतावनियाँ दी गई हैं, वो नहीं मानती हैं इस चीज़ को, आज पर ब्लॉक की है। एक तो पहला इनकी सबकी सेवाएँ समाप्त हो रही हैं। ऐसो सिविल लाइन से रिक्वेस्ट करके पुलिस बुलवा के भिजवा दिया है थाने में, और जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो तो कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इस तरह की कोई भी आशा या कोई भी पर्सन एज एजेंट वर्क करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको तुरंत पकड़ा जाएगा।
यूपी के हमीरपुर में महिलाओं को पौष्टिक खाना मुहैया कराने के लिए शुरू की गई हौसा पोषण योजना को छुआछूत की बीमारी लग गई है। विदोखर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में दलित महिलाओं के हाथ से बने खाने को ऊंची जाति की महिलाओं ने खाने से मना कर दिया। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के मकसद से ये योजना बीती 15 जुलाई से शुरू की गई। ग्रेटर नोएडा में दो गुटों के बीच हुई झड़प, दो महिलाओं की जान पर भारी पड़ गई। मामला 25 अगस्त का है जब जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद लात घूंसू तक पहुंचा। इस दौरान एक शख्स कार लेकर भागने लगा। शख्स ने जुलूस देखने आए लोगों पर कार चढ़ा दी। हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो गांव के एक ही पक्ष के दो लोगों में गुलाल को लेकर मामूली कहा सुनी विवाद हुई। पश्चात जब वो लोग मुकदमा लिखाने थाने आ रहे, कुछ लड़कों ने एक गाड़ी में जाके इनकी घर पे मारपीट और फायरिंग की। ऐसा जब वो पक्ष तहरीर देने थाने में आ रहा था, थाने के गेट के ही पास दूसरे पक्षों ने मारपीट की। उस दौरान पुलिस ने ही जाकर के उनको बचाया और सारे अभियुक्तों को पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया। दुनिया की पहले सेल्फी ड्राइविंग टैक्सी ने सेवाएं शुरू कर दी हैं। सिंगापुर की कंपनी न्यूटो मोनी दुनिया की पहली ऐसी कैब सर्विस कंपनी बन गई है जिसकी कैब्स को चलाने के लिए ड्राइवर्स को जरूरत नहीं है। इस कंपनी ने फिलहाल सिंगापुर की सड़कों पर एक ऐसी ड्राइवरलेस टैक्सी उतारी है। 2018 तक सिंगापुर की सड़कों पर हजारों ड्राइवरलेस टैक्सियां दौड़ने लगेंगी। ये कंपनी 4 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लोगों को ड्राइवरलेस कार की सवारी का मौका दे रही है। ये कार सेंसर, जीपीएस कैमरे और रडार की मदद से अपना रास्ता तय करती है। फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्राइवरलेस टैक्सी में ड्राइवर बैठाया जा रहा है ताकि तकनीकी गड़बड़ी होने पर दुर्घटना को टाला जा सके। इस महीने के अंत तक एक अमेरिकी कंपनी भी करीब 100 ड्राइवरलेस कार्स के साथ अपनी सेवा शुरू करेगी। ये कंपनी अपनी ड्राइवरलेस कार्स की बीटा टेस्टिंग का मौका आम लोगों को देगी। आम लोग टैक्सी बुक करते वक्त साधारण कार्स और ड्राइवरलेस कार्स में से एक को चुन पाएंगे। ड्राइवरलेस कार बुक करने वाले यात्रियों को कोई किराया नहीं चुकाना होगा क्योंकि ये टेस्टिंग के स्टेज पर है।